नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर की बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी विनीत खन्ना ने एक नई पुलिस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। यातायात प्रभारी के रूप में सब इंस्पेक्टर पूर्णिमा मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी है और 7-8 दिनों में उन्होंने छतरपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने की कोशिशें की है। हालांकि इन कोशिशों के बीच उनकी जो छवि है वो भी सामने आ रही है और इस छवि का काफी नुकसान पुलिस विभाग को होता दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा मिश्रा लोगों से लगातार अभद्रता कर रही हैं। हाँ, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो मनमाने तरीके से बोलते हैं, अपशब्द निकालते हैं, मतलब जबकि उनको बता भी दिया कि हमारी मध्य प्रदेश शासन में गाड़ी लगी है। बोले क्यों लिखा है, क्या क्यों ऐसा लिखा है, इसमें हुनर तो नहीं है। मैंने कहा सर नहीं है, बगल में रोक के लगा दिखाता हूँ। मतलब उनका बोल चाल का रवैया ठीक ठाक नहीं है पुलिस का। उन्होंने हूटर वाली गाड़ियों से हूटर निकलवाने का जो अभियान चलाया उसको लेकर भी उन पर पक्षपात के आरोप लगाए गए कि भाजपा की गाड़ियों के नहीं निकाले जा रहे हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की गाड़ियों के निकाले जा रहे हैं। हमको पता नहीं है यहाँ कैसी चेकिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी की गाड़ी निकलती जा रही है। बीएसपी का कार्यकर्ता मेरी गाड़ी को क्यों रोक लिया, दिखाओ तो नहीं, हमारी गाड़ी रोक ली है, बाकी और गाड़ियाँ कई निकलती जा रही हैं। रोकने का कारण क्या बताया जा रहा है अभी? रोकने का कारण बता रहे हैं, तो दिखाओ कागज क्या है, अभी मैं जाके बात करता हूँ। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारने के नाम पर भी सिर्फ चेकिंग पर जोर दे रही हैं, शहर में पसरे अतिक्रमण पर उनका ध्यान नहीं है। खासतौर पर छतरपुर के टैक्सी चालकों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, जो घंटों शहर के मुख्य मार्गों पर सवारियों के लिए खड़े रहते हैं और यातायात को बाधित करते हैं। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें बस स्टैंड, छत्रसाल चौक, जवाहर रोड, जहाँ पर वाहनों के अवैध गैरेज बने हुए हैं, लोग अपनी गाड़ियां यहां पार्क करके चले जाते हैं और सड़क अपने आप छोटी हो जाती है, जिसके कारण हादसे सामने आ रहे हैं। ये तमाम समस्याएं हैं जिस पर पूर्णिमा मिश्रा को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ चेकिंग के नाम पर शहर के लोगों को परेशान कर रही है। ठंडे वाली गाड़ियां नहीं रोकी जा रही हैं, जिनसे होटल है वो गाड़ियाँ रोकी जा रही है। बात सही नहीं है, लोग बाग आटो नहीं, किसी का चालान नहीं करवाना चाह रहे। कब तक चलती रहेगी चेकिंग? चेकिंग रेगुलर चलेगी, निर्वाचन आयोग के मध्य प्रदेश शासन के आदेश। सर, जो यातायात प्रभारी हैं वो एहसास की कार में बाधा की धमकी दे रही हैं, जो लोग चालान नहीं बनवा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा कोई प्रकरण मेरे ध्यान में नहीं आया है। ये तो कार्रवाई का सर, इसमें दबाव का कोई मुद्दा नहीं हुआ। यातायात प्रभारी जो है सही कार्रवाई कर रही है, मैं भी बैठा हूँ, माननीय SDM साहब भी बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।